फरहान साहब सीनियर लीडर आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए। रामायण के सदर शकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। खुदूस रिजर्वेशन में टीआरएस कॉर्पोरेटर आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। खुदूस भी आइए। एमएलए साहब स्टेज के करीब आ रहे हैं। हम तहे दिल से मेरे साहब का मिस्टर डेवलपमेंट बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। नवीन इकबाल साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाए। सत्यप्रकाश साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। भैया दला भाई जो जो भी साइड में ठहरे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाए। बाल किशन अन्ना साहब आइए स्टेज पे आप तशरीफ करें। गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले काम हुए हैं और उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रस्तानों के लिए और बैतुमान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने हाल ही में 1 करोड़ रुपए बैतुमान के लिए दिए हैं और कब्रस्तानों के लिए जैसे हमारे ज़िले में जहाँ जहाँ भी कब्रस्तान है वहाँ 1 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट किए। वैसे भी हमारे एमएलए साहब हैं जो आज बगैर पूछे के हमारे कब्रस्तान पुराने कब्रस्तान को 20 लाख रुपए का जो उनके फंड से तामीर कराए हैं। जो सारी बाउंड्री वाल का काम आज हुआ है और रेजिडेंशियल स्कूल इनके दौर में जो है तो 7-8 रेजिडेंशियल स्कूल इनकी नुमाइंदगी कर आज निज़ामबाद में चल रहे हैं। तो भाइयों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 70 साल तक आप लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला, हम सब कांग्रेस के बिताए, लेकिन 70 साल में वो लोग कोई डेवलपमेंट नहीं कर सके और ना ही कोई मुसलमानों के ताल्लुक से उनके पास कोई स्कीम है। आज देखिए आप केसीआर साहब मुसलमानों को डेवलप करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टीआरएस को कार के निशान को और देकर पार्लियामेंट में जो उसको हमारे मोहतरमा कविता आपका को मिटाइए। ये मैं मेरी ख्वाहिश है और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से हम कार को वोट डालेंगे और कविता साहिबों को जिताएंगे। ये कहते हुए आपसे जाना चाहता हूँ। जय चरंगा। उनके कौन सदर
जनाब शकील साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो अपने खाना का इजहार करें। इत्तेफाकी जलसे में आए हुए हमारे मेहमान खुसूसी एम एल ए जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब, हमारी मेयर अशोला सुजाता साहब, एम ए फहीम डिप्टी मेयर वसुधा जिला और मेरे साथी कारपोरेटर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पर, वो आपकी कमी भी है, सबसे मेरा सलाम। सबसे अहम बात, आने वाले इलेक्शन में हर कोई मीटिंग्स तो करते जाएंगे इंतखाबी जलसों में, लेकिन हमें सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज कई दिनों से कई सालों से ये देखने में आता है, कभी भी कांग्रेस हमारा वोट ली है लेकिन हर वक्त वोट लेकर कांग्रेस पीछे से छुरा होती है। कई ऐसे मामले हैं, हम बीजेपी को इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन उसके असल कार फरमा कांग्रेस है। आज हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस दानिशमंदी से दूरंदेजी से फैसला लेते हुए पहली बार ऐसा किया कि कोई भी सियासी जमात को खुलकर तारीफ इसलिए कि हम 2013-14 में जब तेलंगाना नहीं बना था तो यकीनन तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे थे, तेलंगाना नहीं होना बोल के बोले थे, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो ये हमारे जो चंद्रशेखर राव केसीआर साहब है जितने हर वो तबके के गुस्सा माइनॉरिटीज के लिए जो इकदाम किए हैं काबिल सताइश है, वो देखते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज तमाम ही तेलंगाना में 16 पार्लियामेंट्री हलकों में खुलकर टीआरएस के हक में तायीद करने की हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया। और हम आप तमाम से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आज के लोग कहेंगे कि अरे भाई इसको वोट डाल दिया तो निकल जाएगा, बीजेपी निकल जाएगी, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बीजेपी निकलेगी। आपको जरूरी है कार के निशान को वोट दीजिए। आने वाले दिनों में एक एक एमपी सीट की काफी अहमियत है, हम यहाँ से 16 सीट और 17 सीट लेके हमें ताकत बनी है, अगर 100 में 17 निकाले तो 83 रहते, जब तक 17 जमा नहीं करते 100 नहीं होता। इससे समझदार लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, आप एक एक वोट, क्योंकि एक वोट से एक हुकूमत की रीति, मैं चाहता हूँ अपने 17 वोट जो पार्लियामेंट में यहाँ पूरे मिला के एक एमपी होता है, लेकिन एक एमपी के पूरे जो वहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए जिंदगी की जरूरत होती है, अपने 17 प्लस ये फेडरल फ्रंट जो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों से हट के फ्रंट ऐसा बनने वाला है जिसमें हम ऐसा कंडीशन रखेंगे, क्योंकि यहाँ केसीआर साहब 12% पार्लियामेंट में पास कर दिए, आने वाले कांग्रेसियां ये कहेंगे कि 12% का क्या हुआ, 12% का क्या हुआ, 12% का एक प्रोसीजर होता है जो असेंबली में 12% टीआरएस जो वादा की थी हमसे वो कंप्लीट की पास कर दी, अब उसको हमको पास कराना है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में पास कराने के लिए हमको एमपी की ताकत की जरूरत होती है। हम एक कंडीशन के साथ हम अगर अपने एमपी जिताते हुए कंडीशन के साथ कि हमको ये 12% चाहिए तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सियासी मामला है, ये सियासी मामले में हम अपनी ताकत देंगे, 17 वोट प्लस और भी दूसरे स्टेट के वोट मिला के हमारे अपने कंडीशन के साथ असदुद्दीन अवैसी साहब केसीआर साहब जिस अंदाज में जा रहे हैं, हम अगर केसीआर साहब को जिता देंगे यकीनन हम वो 12% लेके रहेंगे, क्योंकि 12% लेने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ता है, पार्लियामेंट में बिल पास होगा तो 12% आएगा। मेरी आखिरी में आप तमाम से ये की गुजारिश है कि आप केसीआर साहब की जो निशान है कविता मैडम है कार के निशान को वोट देकर भारी अक्षर से इस इलेक्शन में कामयाब बनाए, मेरी उम्मीद है कि आप इस काम को जाते हुए ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी के मैडम को जिताएंगे। शुक्रिया। पार्टी के सीनियर लीडर एक्स कारपोरेटर अली जनाब अतुल खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। इंतखाबी जलसे के में मेहमान खुसूसी अरबन एम एल ए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और निजामाबाद कारपोरेशन मेयर सुजाता मैडम, डिप्टी मेयर फहीम साहब और कारपोरेटर कुद्दूस साहब और तमाम जो देश में तशरीफ फरमा है, कारपोरेटर सियासी कायदीन बुजुर्गो दोस्तों और नौजवानों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आज ये इंतखाबी
हालात से आप हम महसूस कर रहे हैं कि ये कोई इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हिंदुस्तान को वक्त के हिसाब से हालात को तब्दील करने वाला है। मैं आपको सियासी जिंदगी जो 70 साल से आज तक कांग्रेस जो हुकूमत करी है और भी कुछ वक्त में कुछ हुकूमतें करे हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये हमारे तेलंगाना आजाद होने के बाद केसीआर साहब का मंशा ये था कि सेकुलरिज्म किसको बताते हैं और किसको बोलते हैं। उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों के तालीमी और सियासी हालत को समझते हुए उन्होंने जो स्कीमें ईजाद की और हमें वजीफे जो गरीब गुरबा के लिए जो वजीफे मिल रहे हैं, जो शादी प्रोग्राम शादी मुबारक स्कीम के तहत जो 1,01,016 रुपए दिए जा रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम आज किसी के पास हमारी बच्ची की शादी के लिए अगर 10,000 पूछते हैं तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये हमारे तेलंगाना के टीआरएस के सीएम साहब ने गुरबा की हालत क्या होती है और कैसी है और क्या करना चाहिए सोचकर उन्होंने क्या ऐसे इस्तेमाल थे। अगर मैं उसका जिक्र करते रहूं तो मैं समझता हूं 2 घंटे लग जाएंगे। बुजुर्गों, दोस्तों और लोग, नहीं आप तो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये हम जो वोट डाल रहे हैं बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज 20-25 साल से हैदराबाद और तेलंगाना में बीजेपी को जो पाल रहे थे तेलुगु देशम और कांग्रेस, अंदाजा लगाइए आप। आज परसों हालिया इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है, हमेशा हैदराबाद में 5 बीजेपी के एमएलए विन जीतते थे और हालात को तब्दील करते थे और असेंबली में हालात माइनॉरिटी के खिलाफ में उगलते थे, लेकिन केसीआर हुकूमत ने और केसीआर साहब ने ये हालात देखते हुए वो जो जो बीजेपी के इलाके हैं वहाँ पर अपने अच्छे कैंडिडेट को रखते हुए आज बीजेपी का 5-6 कैंडिडेट जाकर एक कैंडिडेट होने का मकसद ये है कि बीजेपी के उन्हें हिम्मत है। बुजुर्गों, दोस्तों, ये टीआरएस हुकूमत में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इक्वल तरीके से देखा जा रहा, ऐसी हुकूमत शायद ही हिंदुस्तान में पहली हुकूमत चलाए जा रहे। और ये सीएम साहब भी, मैं समझता हूँ ये सीएम साहब का जो पोर्टफोलियो है वो मैं समझता हूँ उनके लिए काबिल कबूल नहीं है और ये प्राइम मिनिस्टर के काबिल है। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे और मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप 11 तारीख के दिन जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है और यहाँ की जो जो कैंडिडेट है, कविता मैडम है, साबक में भी 5 साल उन्होंने इस निजामबाद में अपने एमपी का 5 साल दौर में हुकूमत गुजारा और उन्होंने कभी भी होने दो, किसी के भी लिए होने दो, अगर कोई काम है तो उनके वक्त या इमीडिएट या दवाखाने का हों दो या तालीम इदारे का हों दो, इमीडिएट उन्होंने हल कराया। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस कारकर्दगी को बखूबी वाकिफ है और ना भूलेंगे और 11 तारीख को कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब बनाएंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब निजामबाद के एमएलए हैं, 5 साल उन्होंने मुकम्मल किया है और उनके दौर में जो डेवलपमेंट ने हुआ है मैं शायद ही समझता हूँ। मैं भी 25-30 साल से एज ए इक्तदार पे हूँ और मैंने नहीं देखा कि कोई एमएलए इतनी दिलचस्पी से काम किए हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ निजामबाद की जो एमपी मैडम है, शायद ही मैं समझता हूँ आपको जब हालिया पार्लियामेंट में आपको अवार्ड भी मिला के दिया गया और इतनी समझदार औरत है और इतनी समझदार लेडी है कि हर हालत को समझते हुए यहाँ तक कि गुरबा के अगर कोई शादी का प्रोग्राम है तो वहाँ पे भी जाते हैं, वक्त निकालते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, अब मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ और जैस में भी एमआईएम के कायदीन मौजूद है और हमारे असद साहब का भी ऐलान है 16 सीट टीआरएस के और 1 सीट एमआईएम की जरूर आएंगी। इंशाल्लाह हम ये 16 सीट और 1 सीट एमआईएम की 17 सीट को जिताएंगे। 11 तारीख को कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब कराइए। जो मुझे मौका दिया गया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। नवीन अकबाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, टीआरएस पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। खुद हमें दुश्मन जान कहते हैं, एक हम है कि इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। ऐ खाके वतन, तुझको मेरे तयम्मुम की कसम, तू ही बता इसमें सजदों के निशान कैसे है। आज के इस माइनॉरिटी एरिया में मालापेली के कैंपेन में आए हुए मेहमान खुसूसी जो अपनी मुख्तसर सी सियासी जिंदगी में आसमान की बुलंदियों को छूते हुए शोहरत को हासिल करने वाले जनाब गणेश गुप्ता साहब,
डिप्टी मेयर फहीम साहब, इमरान शहजाद साहब, रफत खान साहब, खुदूस भाई साहब, अशफाक अहमद पापा खान साहब, फयाज साहब, सीनियर मोस्ट खायद यासीन साबरी साहब, अवेश साहब, रफी साहब और स्टेज पर मुजाहिद खान साहब, फहीम कुरैशी साहब, तारिक अंसारी साहब, आज का ये जलसा हमको इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर जायजा लेने के लिए एक दावत फिक्र मिलेगा। वैसे मुल्क में इलेक्शन और मुसलमानों का चोरी दामन का साथ रहा है। जब कभी भी मुल्क में इलेक्शन आते हैं मुसलमानों के ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, मानो के इस मुल्क में फिरका परस्त कुव्वतों को शिकस्त देने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद हो चुकी है। तो आइए इस हिसाब से आज हम इस चूंकि आज इस प्लेटफॉर्म पर बस से मुकर्ररीन मौजूद है, मैं आपको इशारतन किनारतन बात करते हुए थोड़ी लंबी तकरीर ना करते हुए आपको इशारे में बताना चाहता हूं कि मुल्क में आज बीजेपी को ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान इंटेलेक्चुअल लोग भी नफरत की नजर से देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुल्क में आजादी के 70 सालों के बाद हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो नफरत की फिजा इस बीजेपी पार्टी ने पैदा की, अंग्रेज के 400 साल दौरे हुकूमत में भी मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से बिछड़ने की इतनी बड़ी गैप कभी भी नहीं। तो आज मुल्क में एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो न सिर्फ मुल्क को रोजगार, तालीम, सेहत से इस प्रॉब्लम को दूर कर सके बल्कि और हिंदू मुसलमान के दरमियान एक मोहब्बत, भाईचारा और कमगा के जमनी तहजीब को परवान चढ़ाए। आज मुल्क का एक एक वोटर, बिलखसूस मुसलमान वोटर, तेलंगाना की तरफ नजर उठा कर देखता है। क्या है तेलंगाना में खास बात? तेलंगाना की खास बात यह है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर एक 4.5 साल की कारकर्दगी के दौरान मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में एक काबिल एहतराम नजर से लेकर जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि मुसलमानों को पिछले 70 सालों में जहां कांग्रेस ने एक कोर्ट मशीन के तौर पर समझा था, तो केसीआर साहब ने इनको एक दूसरे दर्जे के शहरी से हटाकर हिंदू और मुसलमान दो आम की तरह देखा। ये काबिल खतर हुक्मरान है। आज मुल्क में 70 सालों के बाद कोई हकीकी रहनुमा इस मुल्क में एक पैदा हुआ बड़े बरसों के बाद, तो वो केसीआर साहब है। जिस तरह से मुसलमानों ने गांधी जी को एक उल्मा इकराम में, जमीयतुल उल्मा ने जद्दोजहद आजादी का महवर बनाकर हिंदुस्तान के कोने कोने में भेजा था, आज आप बैठे हुए लोगों से हम दर्दमंदाना अपील करते हैं। मुल्क का मुसलमान दूसरे हिस्से का, बड़े तेलंगाना के मुसलमानों को एक जो है एक आज की नजर से देख रहा है मेरे भाइयों कि केसीआर साहब को ऐसी भारी अक्सरियत से जिताएंगे ताकि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान की दिगर रियासतों में भी इस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का एक मौसर असर होगा। आने वाले वक्तों में भी इस मुसलमान के वोटों के जरिए केसीआर साहब मुल्क के दूसरे मुसलमानों के तहफ़ुज़ात, तालीमात और जो है रोजगार के बारे में बात करेंगे। और उनसे मुकद्दरीन मौजूद है, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश करता हूँ कि केसीआर साहब की बेटी कविता बहन को आज तेलंगाना के कोने कोने से उनको शिकस्त देने के लिए, उनकी सीधा रास्त शिकस्त देना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अवाम की ताकत जिस लीडर के साथ होती है उसका कोई भागभाका नहीं कर सकता। लेकिन ये बैकडोर से आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें रच रहे हैं। एक खातून औरत ना निजामाबाद की एमपी बनकर तेलंगाना का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही है। आज आपको उसकी मदद की उसके खिलाफ होने वाली साजिशों से होशियार रहना होगा। आज मुल्क में तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देने की कुव्वत सिर्फ टीआरएस पार्टी के पास मौजूद है। कांग्रेस पार्टी में न वो दमखम है, ना कि यहाँ के उम्मीदवार के अंदर वो दमखम है। ये शख्स ऐसा उम्मीदवार है कांग्रेस का जो टिकट ऐलान होने से पहले भोनगीर का कैंडिडेट बन तो बल्कि दीवारों पर निकाल लिया गया। जिस शख्स के अंदर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं, जिस शख्स के अंदर हौसले की कमी है, उस शख्स को वोट देना बिल्कुल जो है मायूसी की अलामत है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, एमएलए साहब हमारे बीच में तरक्की का दूसरा नाम बनकर घूम रहे हैं। आज उन्होंने इलेक्शन में मुसलमानों के इंफरादी प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। आपसे दर्दमंदाना अपील है कि 11 तारीख की सुबह से लेकर शाम तक गर्मी की परवाह किए बगैर आपका कीमती और कार के निशान को वोट देकर
कविता बहन को पार्लियामेंट में दोबारा भेजिए। खुदाफिज जय तिरंगा। पुलिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। पूरे हिंदुस्तान में 500 चिल्लर एमपी होने के बावजूद कि एक ऐसी खातून ने हमारी कविता साहिबा जिन्होंने उसकी आवाज़ उठाई थी आसद साहब के साथ साथ, और कोई भी ऐसा एमपी ना कांग्रेस का ना कोई और जमात का किसी ने जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि एक मुसलमान दोस्त खातून है, एक मुसलमान दोस्त हुकूमत है, आपसे अपील करते हैं कि भारी से भारी लोग जो है तेलंगाना के अंदर आ चुके हैं, 5-5 मिनिस्टर थे, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों के लिए इतना कुछ नहीं सोचा। ये जो हुकूमत है तेलंगाना की केसीआर साहब की, जिन्होंने कई स्कीम दिए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादातर तादाद में 11 से दिन निकल कर अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर जीत को जो यकीनी बनाए और भारी मेजॉरिटी से यकीनी बनाए। अब मैं हमारे अगले मुहर्रम MIM के डिस्ट्रिक्ट सदर अली जनाब फहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करो। अपन MLA जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब, खातून अव्वल सुजाता मैडम, जनाब कुतुब साहब, कौन सदर जनाब शिकिन साहब, ठाकुर साहब, जनाब रियाज साहब, कारपोरेटर डीजन 27, तारिक अंसारी साहब, मोहम्मद खान साहब, राजीव साबिर साहब, फयाज साहब, फहीम साहब, मुजाहिद खान साहब, और शहन अशी पर बैठे हुए दूसरे मेरे साथी कारपोरेटर्स और मौजूदा शहर, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मुझसे पहले पेशर मुखर ने फरमाया, कविता मैडम के ताल्लुक से जो एक बातें उसमें रह गई है, अभी हाल हाल में उन्हें एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है। ये एजाज रियासत तेलंगाना में सिर्फ दो ही शख्सियतों के हिस्से में आया है। एक शख्सियत मेरे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिस्से में आया, और दूसरा अवार्ड मोहतरमा कविता मैडम के हिस्से में आया। ये एक अखिलियत दोस्त खातून है और कई डेवलपमेंट के काम इस शहर में आज अगर हो रहे हैं तो हमारे हरदिल अजीज MLA साहब और कविता मैडम साहिबा की कोशिशों से हो रहे हैं। 300 करोड़ स्पेशल फंड अगर निजामबाद शहर के लिए आया है तो ये लोगों की कोशिशों से, और साथ ही साथ 100 करोड़ का फंड मोहतरमा कविता मैडम साहिबा ने निजामबाद शहर के लिए दिया है, उसके कई काम अभी चालू हो चुके हैं। ये एक बेहतरीन शहर बन के, बेहतरीन असम्बली और बेहतरीन पार्लियामेंट का हिस्सा बन के निजामबाद आज उठ रहा है। पिछले दस अगर खान साहब बता रहे थे कि उनकी 30 साल सियासी जिंदगी में शहर निजामबाद को कोई डेवलपमेंट नहीं देखे, मैं उससे आगे भी आपको बताता हुआ चलूँ, 4-4 मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर और एक स्पीकर रहने के बावजूद भी शहर निजामबाद कभी डेवलप नहीं हुआ। ये TRS गवर्नमेंट की कारकर्दगी का नतीजा है जो आज शहर हमारा डेवलप हो रहा है। ये स्पीड को आज आपके हाथ में है कि हमें रुकाना नहीं है। जिस तरह से हम भारी अक्सरियत से MLA साहब को जिता के लेकर आए, उसी तरह से लगभग 4-5 लाख की मेजॉरिटी से हमें कविता मैडम को जिता के लेके आना है। इंशाल्लाह आज के 8 तारीख के दिन ना सिर्फ आप अपना वोट डालें बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस गली और मोहल्ले वालों को तमाम को रागिब करें। एक दिन हम TRS गवर्नमेंट के लिए, TRS और मोहतरमा कविता मैडम के लिए थे, इंशाल्लाह हम 5 साल उनके हाथ पकड़ के हमारे शहर के डेवलपमेंट का काम लेते हुए चलेंगे। रही बात कांग्रेस के कैंडिडेट की, उसके बारे में तो कुछ मत ये करिए। 10 साल के दौर हमने देखा है, वाटवली में जो 6 आदमियों का कत्ल हुआ वो वहाँ पर भी नहीं गया, और दवाखाने के सामने जो फुटपाथ पर कारोबार करते थे कपड़े के, उनके ताल्लुक से भी अगर किसी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई तो मेरे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई, और वो उस वक्त के MP रहने के बावजूद भी उनके ताल्लुक से कोई काम नहीं किए, वो जीतते और जीतने के बाद निजामबाद को भूल जाते, ये उनका तरीका था। 10 साल की कारकर्दगी में उनको शहर को कुछ नहीं दिए। अभी हमको एक डिसाइड करने का है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमारी कारकर्दगी मोहतरमा कविता मैडम साहिबा की रही, उससे और कुछ और ज्यादा हमें काम उनसे करने का है। इस तरीके से 11 तारीख के दिन आप अपन वक्तों में निकले और कार के निशान को TRS पार्टी के हाथ में वोट देते हुए भारी अक्षर से उन्हें जिताए। गणेश गुप्ता साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करो। आज इस मीटिंग में मेरे साथ जो मौजूद है मेयर साहिबा सुजाता जी,
डिप्टी मेयर फहीम भाई, तारिक अंसारी जी, रफत खान जी, यासिन साबरी जी, नवीन इकबाल जी और फयाज भाई, अंदाज शाहजा, तजूस भाई, उदाई बबू, रफी, आवेश और शकील भाई, सुनील सिंह ठाकुर, रियाज मुजाहिद और तमाम मेरे भाइयों, अल्लाह का टाइम हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ। पहला, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि जब से हमको आज़ादी मिली है, जब से निज़ामबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी चालू हुआ है, आज तक 74,000 के वोट किसी को नहीं आया, कोई पार्टी को नहीं, कोई कैंडिडेट को नहीं। आप लोग मुझे इतना भरोसा करके सबसे हाईएस्ट वोट्स मुझे देंगे और 26,000 मेजॉरिटी से जो जिताए, मैं आपको सर झुका के मैं शुक्रिया अदा करूंगा। किसी ने लगाया हमारे भाई मिस्टर डेवलपमेंट, बहुत खुशी हुआ है, खुश होता हूं मैं वो सुन के कि भाई उसका नतीजा तो हमको पिछले इलेक्शन में दिखा दिया। आप लोग इलेक्शन हो गए और तमाम तेलंगाना में केसीआर साहब को यकीन करके, टीआरएस पार्टी को यकीन करके पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से हम लोगों को आपने हुकूमत दिया है। अगर डेवलपमेंट के ताल्लुक से हमको बात करना है तो इसी रोड से शुरू होगी। जो मालापल्ली का रोड है, यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ताल्लुक से खोद के फिर वापस हमने रोड डाल दिया। और सामने जो भोजन रोड है, भोजन रोड के बारे में कई लोग फेसबुक में मजाक उड़ाए हमारे, अरे एमएलए साहब सिंगापुर तो बाद में बनाओ, पहले भोजन रोड को खत्म करके दिखाओ। जो रोड चालू होने से पहले एक दिन हमने बोले कि भाइयों कल रोड काम चालू होने वाला है, जितना लिखना है आपको लिख दो, 24 घंटे आपको अभी हमारे मजाक उड़ा दो, उसके बाद हमारे बारी होगा कि रोड कैसे बनेगा। सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे मुझे बोल रहे थे, जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, सारे कॉर्पोरेटर्स और लीडर्स, कई बार आपसे डिस्कस किए, ये बोले कि साफ भोजन रोड की ये हाल है, यहाँ पे कई नौजवान बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि ट्रैफिक का मसला बहुत काफी डेंजरस है, इसका कुछ करो। आज जो सेंटर मीडियम हम बना रहे, सिक्योरिटी के साथ साथ खूबसूरत भी बढ़ रही है। निजामबाद शहर में हम हैदराबाद रोड, आर्मोर रोड, वर्नी रोड और भोजन रोड सब करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम भोजन रोड खत्म कर रहे हैं, एक 10-15 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये डेवलपमेंट के बारे में, ये कैसे मुमकिन हुआ? यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम चलता है, पानी के लाइन पे काम चलता है और साथ में रोड भी बनता है और शहर का खूबसूरत भी बनता है और माइनॉरिटी स्कूल भी बनता है और कब्रिस्तान भी बनता है। पुराना जो कब्रिस्तान है उसकी दीवार गिर गया तो कोई देखते भी नहीं। लीडर निजामबाद को हमेशा MLA रहे, निजामबाद को कहीं मिनिस्टर रहे, निजामबाद को कहीं MPs रहे, लेकिन हमारे कब्रिस्तान को झांके भी नहीं देखते। लेकिन अभी दीवार खड़े हो गए, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पे काम करने वाले दिल वाले हैं, पैसे देने वाले ऊपर दिल वाले हैं, इसलिए ये मुमकिन हुआ। मेरे भाइयों, आपको भैंस से दूध निकालना है, घास भी भैंस को डालना पड़ेगा। गधा को आप घास डालेंगे, भैंस के पास जाएंगे तो दूध नहीं मिलेगा। तो आपको ये शहर में MLA से MP से काम लेना है, जो हुकूमत में बैठे उसी को वोट डालो, फिर बाद में पूछो। आप इतना जबरदस्त मेजॉरिटी से हमको जो जिताए, फिर आप पूछिए MLA साहब क्या बात है, हमारा रोड बनाओ, हमारे घर के सामने मोरी नहीं है वो बनाओ, और यहाँ पे लाइट की जरूरत है वो बनाओ, फिर कविता मैडम को जिताइए, फिर बोलिए मैडम जी
आपको जिताया इतना जबरदस्त मजाक से आप दिल्ली से पैसे लेके आओ, फंड लेके आओ, आपको हक बनता हमारे ऊपर। आज मैं बोल रहा हूं कविता मैडम जी का जीत तो पक्का हो गया, लेकिन हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि जो 16 एमपी के हम जो बात कर रहे हैं, 16 एमपी में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कविता मैडम को लेके आने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कल शाम में यहाँ पे सामने जो मीटिंग हुआ हमारा मेजॉरिटी भाइयों का बहनों का, वो देख के हमको ये भी भरोसा आ गया कि 16 पार्लियामेंट में पक्का हमारा मेजॉरिटी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम शाम में एक मीटिंग सुभाष नगर में किए और रात में 9 बजे यहाँ पे मीटिंग किए। गाड़ी उतर के हमको स्टेज तक पहुंचने पहुंचने को 10-15 मिनट टाइम लग गया, इतना लोग चाहते हैं कि केसीआर साहब की हुकूमत देख रहे हैं, हर एक गरीब के बारे में सोचते, चाहे शादी मुबारक हो, चाहे वजूफा हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, जितने यहाँ पे बच्चे लोग हैं, हर एक माँ बाप सोचते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसका ताकत बस नहीं हो रहा, कमाई बस नहीं हो रहा, तो अपने किस्मत पे छोड़ के अपने बच्चे भी हमारे जैसे धंधे कर लेंगे। लेकिन केसीआर साहब ऐसा नहीं कि आपकी किस्मत को छोड़ने नहीं दिए, पूरे जिम्मेदारी हमारे केसीआर साहब ने लिया, और यहीं पे निजामाबाद शहर में 12 मेनाटी स्कूल खोले, ये पूरा किराए पे है बिल्डिंग, हमारे साहब ने कहा कि एक एक बिल्डिंग हम बनाएंगे निजामाबाद शहर में। पहला बिल्डिंग जो शहर चालू हुआ धर्मपुरी हिल्स में 18 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, उसकी महमूद अली साहब और कविता मैडम और मैं जाके वहां पे चालू किया काम, अभी स्लैब भी खत्म हो गया। और दूसरा बाप अपना बाबा साहब पहाड़ी रोड पे 13 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, वो भी टेंडर हो गया, पूरा 12 स्कूल पक्का स्कूल बनेंगे, तो आपके बच्चे आप देंगे 15-20 साल के बाद कितना बड़े ऑफिसर हो जाएंगे, आपके सपना पूरा करेंगे। इस स्टेट में कई मुख्यमंत्री थे, कई निजामाबाद जिला में कई एमएलए थे, कई मिनिस्टर थे, कई एमपी थे, लेकिन जो 50 साल में आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी हमने 4.5 साल में करके दिखाया है। हमारे भाइयों, मैं आपसे एक ही गुजारिश है, कविता मैडम को आने वाले इलेक्शन में 11 अप्रैल कार के निशान पर वोट डाल के, अगर यहाँ पे कोई जवान बच्चे हैं अपने माँ बाप को भी बोलिए, बेटे हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे एमएलए सब आके भाषण किए और कुछ लोग बड़े बड़े लोग ये भाषण बोले, हमारे फ्यूचर के बारे में केसीआर साहब को वोट डालना जरूरी है। सुबह धूप है, जरा सुबह सुबह उठिए, सुबह सुबह डालिए, क्योंकि हमारे पास निजामाबाद शहर में बहुत कम परसेंटेज का हमेशा पोलिंग होती है, लेकिन इस बार वोट्स भी बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हम करना है, क्योंकि खाली वोट रजिस्टर कर लिए और वोटर कार्ड आ गया, काले एड्रेस प्रूफ के लिए लगाएंगे, ये मेरा काम नहीं, मत करो भाई, एड्रेस प्रूफ के लिए तो आधार कार्ड भी चलेगा और कुछ भी कार्ड चलेगा, वोटर आईडी कार्ड जो है वोट के लिए इस्तेमाल कीजिए। अभी जो भी जितने भी परसेंटेज आज तक निजामाबाद में हुआ, उससे ज्यादा बढ़ाकर, परसेंटेज ज्यादा बढ़ाकर और मेजॉरिटी भी ज्यादा हमारे कविता मैडम जी को दीजिए, ताकि निशान पे वोट देके हमारा केसीआर साहब की ताकत बढ़ाइए, ताकि वो दिल्ली जाके हमारा हकों के लिए, तेलंगाना हकों के लिए लड़ सके। और ये जो मुझे मौका दिया, मैं आपके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ग्वाली से आगे 32 नंबर वार्ड के लोगों के, आइए सर भैया, से गुजारिश है ज्वाइन करने के लिए आए हैं वो स्टेज पे तशरीफ ले, अब्दुल मोहित साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। रियाज साहब शुक्रिया, मोहम्मद इम्तियाज अली साहब मलापली, अब्दुल रहीम साहब,
मोहम्मद हनीफ साहब मोहम्मद शकील साहब इम्तियाज साहब मकसूद अहमद साहब इजाज साहब मोहम्मद हनीफ साहब मोहम्मद साहब मालापति थोड़ा